हेलो। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो मेरा जॉब वर्कर है उसके पास कितना मटेरियल पड़ा है, वो कहाँ से मिलेगा वो इन्फॉर्मेशन। तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, फिर उसके बाद इन्वेंटरी बुक्स में जाना है, फिर उसके बाद ये जो गोडाउन है उस ऑप्शन में जाना है। और यहाँ पे अब मैं अपना जो जॉब वर्कर है जलाराम, उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ पे वो मुझे डिस्प्ले कर देगा कि ये जलाराम के पास मेरा जो ये मेरा स्टॉक ग्रुप है फैब्रिक रॉ मटेरियल, उस पूरे ग्रुप में ये 37 मीटर मेरा फैब्रिक उसके पास अभी भी पड़ा है। ठीक है, इसको एंटर मारेंगे तो यहाँ पे आइटम आ गया कि प्योर कॉटन फैब्रिक ग्रीन VK 7001। और जो आइटम है वो 37 मीटर पड़ा है। यहाँ से आप एंटर प्रेस करोगे तो ये पूरा उसका डिटेल आ जाएगा कि डेट वाइज के आपने हमने उसको ये तारीख को, 1 तारीख को हमने 277 मीटर हमने उनको भेजा था। ठीक है, उसमें से 180 मीटर और 60 मीटर आउटवर्ड यानी कंजम्पशन हुआ है और 37 मीटर उनके पास स्टॉक पड़ा है। अब इसका जैसे ये आइटम के नीचे ऐसा शिफ्ट एंटर प्रेस करोगे तो ये उसका ताका वाइज डिटेल आ जाएगा कि एक जो ताका था, ताका नंबर 2 2005 के लॉट का, उसमें 5 मीटर कपड़ा पड़ा है और ये ताके में 32 मीटर पड़ा है। अब सपोज मान लो कि ये मटेरियल आने वाला नहीं है, ठीक है ना, ये वेस्टेज ही है, तो उसका एक एंट्री आपको पास करना पड़ेगा। तो वो एंट्री कैसे पास करना है, तो उसके लिए तो पहले आपको एक वाउचर टाइप भी बनाना पड़ेगा। तो मैंने बना दिया है, इसके लिए आपको ऑल्टर में जाके दिखाता हूँ। ऑल्टर आपको क्रिएट में जाके वैस उस तरह से वाउचर टाइप बनाना है। ऑल्टर वाउचर टाइप जलाराम, उसके जॉब वर्कर के नाम से एक वाउचर टाइप बनाना है जलाराम वेस्टेज। यहाँ पे सिलेक्ट टाइप ऑफ उसमें स्टॉक जर्नल सिलेक्ट करना है और उसको एंटर एंटर करके सेव कर देना है। तो इस तरह से एक वाउचर टाइप बनाना है और उस वाउचर टाइप में हमें एंट्री कर देनी है। तो अब एंट्री कैसे करनी है, तो वाउचर में जाना है, फिर ऑल्टर F7 करके ये जलाराम वेस्टेज का वाउचर टाइप मैंने ओपन किया। यहाँ पे मैंने अपना आइटम ले लिया PCF ग्रीन VK, ओके। यहाँ पे मैंने गोडाउन सिलेक्ट किया जलाराम, ओके। यहाँ पे मुझे वो लॉट नंबर वाइज क्वांटिटी दिखाएगा ताका नंबर वाइज। ये मैंने पहला ताका सिलेक्ट किया, 5 मीटर मैंने लिख दिया, दूसरा सिलेक्ट किया, 32 मीटर मैंने लिख दिया और एंटर एंटर करके मैंने सेव कर दिया। तो इस तरह से हमें उस वेस्टेज का एंट्री क्रिएट करना है। अब जिससे हमें फ्यूचर में देखना हो कि जलाराम जो जॉब वर्कर है उसने टोटल साल में, 2 महीने में, 3 महीने में कितना मटेरियल वेस्टेज हुआ है उनके थ्रू, तो वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो वो आपको देखना है तो क्या करना है, आपको डिस्प्ले में जाना है, फिर ये स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में जाना है, स्टेटिस्टिक्स में जाना है और ये जलाराम वेस्टेज वाला वाउचर टाइप को ओपन करना है। फिर जैसे मुझे मंथ ऑफ अप्रैल का देखना है तो मैंने अप्रैल मंथ में मैं गया, ठीक है। यहाँ तो सारे वाउचर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो जितने पीरियड का देखना है वो पीरियड करना है आपको। सपोज मान लो कि आपको एक चार से लेके 1-7 तक का देखना है, ठीक है, 1-4 से लेके 1 दिसंबर तक का देखना है, जो भी पीरियड आपको देना है वो आप दे दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये जो F8 कॉलमर है और कॉलमर वाले बटन में साइड में जो एरो की है उसको क्लिक करो और उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट करो। एक्सट्रैक्ट आप करोगे तो वो आइटम वाइज आपको दिखा देगा कि ये पर्टिकुलर आइटम उस पीरियड में इतना मीटर वेस्टेज हुआ है, यानी उसकी जो अमाउंट हो रही है वो 7,700 रुपये का मटेरियल उस जॉब वर्कर के थ्रू वेस्टेज हुआ है। तो ये रिपोर्ट भी आपको मिल जाएगा।
थैंक यू वेरी मच सर।